आज हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि राष्ट्रीय स्तर के त्यौहार। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियोस के साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी तो फटाफट से आपके नोट्स भी बन जाएंगे। चलिए, नेशनल फेस्टिवल्स हैं टोटल हमारे 3। कौन कौन से हैं, क्या हैं, क्यों मनाए जाते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है क्रिएटेड ऑन द अक्रेंस ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय स्तर के जो ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट समझते हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं बड़ी बड़ी, है ना, वो सेलिब्रेट की जाती हैं एज ए नेशनल फेस्टिवल्स। सेकेंड पॉइंट है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस इज इनकल्केटेड थ्रू दीज फेस्टिवल्स। इन फेस्टिवल्स के थ्रू हमें कहते हैं ना कि राष्ट्रीयता की भावना आती है, और मतलब एकता की भावना हमारे दिल में, राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना आती है सामने, है ना, पेट्रियट वाली फीलिंग सामने आती है। तो वो चीज़ हो गई। अब नेशनल फेस्टिवल्स हैं टोटल 3, कौन कौन से हैं वो तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। रिपब्लिक डे का मनाया जाता है 26 जनवरी, वैसे 26 जनवरी 1950, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947, एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1869। अब इन दिनों के उपलक्ष में हर साल होती है छुट्टी सरकारी, ठीक है, उनको जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। प्राइवेट वालों का तो अपना अलग ही सिस्टम है, देने को वो दे भी देते हैं, अदरवाइज वो 15 अगस्त को भी काम कराएंगे, वो 26 जनवरी को भी आपसे काम कराएंगे, है ना, उनके रोटेशनल शिफ्ट्स, उनका अलग सिस्टम होता है। नाउ रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था 1950 में, है ना, तो एक नवंबर 1949 वाला कंसेप्ट है, एक जनवरी 1950 वाला कंसेप्ट है, वो मैंने आपको पॉलिटिक की वीडियोज़ में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता हमें कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान को कब मिली? 14 अगस्त 1947 को। नाउ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज, ठीक है। गांधी जयंती, तो ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बर्थडे ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी इन 1869, और उन्हें हम क्या मानते हैं, फादर ऑफ द नेशन, इसलिए उनके बर्थडे पे होती है सरकारी छुट्टी। नेक्स्ट आता है नेशनल हॉलीडेज़। ये चीज़ मैंने पहले बता दी, इन 3 दिनों पे आपको होगी नेशनल हॉलीडेज़ ऑब्जर्व्ड इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑफ इंडिया। जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पे आपको छुट्टी रहती है, ठीक है। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा, तो आप वीडियोज़ के साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं, और बार बार मैं नोट्स बनाने के लिए इसलिए कहती हूँ कि डेली मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आती हूँ, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिलीजियस फेस्टिवल्स, उसमें हिंदू धर्म के फेस्टिवल, जैन धर्म के फेस्टिवल, मुसलमानों के फेस्टिवल, क्रिश्चियंस के फेस्टिवल, सिंधी फेस्टिवल्स, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।